क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ क्या है। सेल्फ मोटिवेशन हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ होता है खुद को प्रोत्साहित करना, खुद को मोटिवेट करना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव में आप जब भी खुद को तनाव से घिरा हुआ महसूस करते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि तब आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा होता है जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको खुद से लड़ने को मजबूत करता है, जो नए नए पड़ावों से अवगत कराता है आपको। चलो दोस्तों, आज कुछ नया सीखें, कुछ नया अपने जीवन में उभारें। सेल्फ मोटिवेशन टिप्स देखिए, आज हम आपको बताते हैं। नाकामियाँ आपको मिल रही हैं तो उससे ना घबराएं, नाकामियों से ना घबराएं। कहने का क्या अर्थ है इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। देखिए, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, क्लासरूम परफॉर्मेंस हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो, ये मतलब कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो आप देते हैं वो सब, उसके बारे में बता रहे हैं। जब भी आप विफल हों, कोई भी फील्ड में आप विफल हों या हो गए हो, तो हार या कभी आत्मग्लानि महसूस ना करें, मतलब शर्मिंदा ना हो। इसके बजाय उस विफलता को ही अपने लिए प्रेरणा बना लें। हमेशा यह सोचें कि अगर आप अब मेहनत करेंगे तो आगे जरूर कुछ अच्छा और सही कर लेंगे। आपका यह भरोसा हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। परफॉर्मेंस खराब होने पर निराश की भावना महसूस करना एक आम बात है। यह भी सही है कि इसके जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं, लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं तब आप अपने दिमाग और ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसमें आपका ध्यान लक्ष्य से हट जाता है और आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। ये बात सच है दोस्तों, तो इससे आपको नहीं भटकना है। आगे आपको बताते हैं सफल लोगों के कॉन्टेशन कैसे आपको आपकी ज़िंदगी में बढ़ा सकते हैं। देखिए, कई सफल लोगों ने माना है कि एक अच्छी किताब या एक अच्छे कोट ने उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव, आपका भी कोई होगा जैसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहिए, मेरा फेवरेट, ऐसा आपका भी कोई होगा, नहीं है तो आप भी बना लो, काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स हैं। देखिए, जैसे आप कोई भी एक बना लोगे तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिविटी एक तरह का ये भर देता है आप में, एक इफेक्ट छोड़ देता है और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया करता है, जैसे कि हमको या आपको या किसी और को भी। जैसे कि अभी बताया था आपको मोटिवेशन कोर्स या बातें किसी की, स्वामी विवेकानंद की, उठो जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक आपको, तब तक पढ़ते रहो या बढ़ते रहो कुछ भी, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित करता है ये सब। ठीक है, ये सभी बातें। इसलिए जब मन निराश हो और आप अपने किसी फ्लोर से दुखी महसूस कर रहे हो, तो ऐसे समय में आपको गूगल पर या किसी भी अच्छी किताब में सफल और महान लोगों की सुक्तियाँ और प्रेरक कथन पढ़ने चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ में असफल हो जाए या कुछ अलग बातों से आप दुखी हो जाए, तो आपको इधर उधर कुछ गलत नहीं सोचना, आपको अच्छी अच्छी लोगों की महान बातें, आपको महान किताबें पढ़नी होंगी दोस्तों, तब आपको डीमोटिवेट से मोटिवेशन की ओर रास्ता मिलेगा। ठीक, आपके अंदर ये कोर्स एक नई ऊर्जा भरेंगे। ये कोर्स आपकी मानसिक सेहत के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। सेल्फ मोटिवेशन का यह तरीका बेहद कारगर है दोस्तों। किसी को बनाएं अपने मेंटर। जीवन में तमाम तरह की उलझन और दुविधाएं आती हैं, ऐसे में आपको किसी भी अनुभवी और सफल इंसान की ज़रूरत होती है और आपको सही सलाह दे सके और आपकी दुविधा को दूर कर सके। आपके पास मेंटर होने से आपकी ताकत कई गुना तक बढ़ सकती है। यदि आपके पास कोई मेंटर हो और उसके साथ आपके मधुर संबंध हो, तो आप सही राह पर। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो आप घबराने की बजाय आदर्श मेंटर्स की किताबें, भाषणों और लेखों आदि से जानकारी और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शख्स, किताब, कथन या कोई और बातें आपको प्रेरणा दे सकती हैं, जैसे कि मोटिवेशन। आप चैनल सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, काफ़ी
आप इतना भी लिख दो यूपीएससी मोटिवेशन, आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यू मोटिवेशन ओनली, तो आपको हजारे चैनल्स मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, और आपकी समस्या और आपको एक अच्छी ऊर्जा, आपको प्रेरणा मिलेगी। हताश करने वालों से बचें, और साथ ही आपको हताश करने वालों से तुरंत के तुरंत बच जाना चाहिए। हमारे आसपास परिजनों के अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं, या पड़ोसी, क्लासमेट, दोस्त या आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। ये खुद तो रोते ही रहते हैं और दूसरों को भी डिमोटिव करते हैं। जैसे कि आप जरूर फेल हो गए या कुछ और बात हो गई तो आपको समझाएंगे नहीं, आपको ये डिमोटिवेट करते हैं, अक्सर आपने देखा होंगे। ऐसे लोगों से सदैव दूर रहें आप। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छे भी लोग होते हैं, ठीक, पर आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना होगा। बुरे लोग लगातार आपको परेशान करते रहते हैं, यह आप पर भावनात्मक दबाव बना सकते हैं और आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। ना समझी या अपरिपक्वता, मतलब थोड़ी सी कम समझ के कारण, जिंदगी के शुरुआती दौर में आपको हर तरह के लोगों का साथ अच्छा लगता, पर ऐसा नहीं करना आपको बुरे लोगों से जो आपको डिमोटिव करे, तुरंत के तुरंत उनका साथ छोड़ देना चाहिए। या आपके दोस्त हों या कोई भी परिवारजन, उससे कम ही बात करें वही अच्छा है आपके लिए, ठीक। बाद में आप खुद महसूस करने लगते हैं कि गलत संगत के कारण जीवन लक्ष्य से आप भटक जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डीमोटिवेट हो, तो आप यूट्यूब मोटिवेशन चैनल्स देखें, आपको स्वामी विवेकानंद और आपको टाटा, जो हमारे देश के बिजनेसमैन है काफ़ी, रतन टाटा जी, उनके कोर्स पढ़ें, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मेरे तो फेवरेट डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, उनका भी आप चैनल देखें, काफ़ी अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप तो उनके भगवत गीता का वीडियो डालें, आप वो सुने, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सुनो।